प्रेम से बोलिए शिष्य आनंदमयी मात की। माँ से प्रश्न है, माँ हम लोगों का क्या सचमुच होगा? माँ, जरूर होगा, तुम लोग नहीं होगा, नहीं होगा, यह भावना मन में कभी ना लाओ। देखते नहीं कि भगवान को सोचते सोचते तद्भावापन्न हो जाने में आता है, इसलिए नहीं होगा, नहीं होगा सोचने की जरूरत नहीं। होगा होगा सोचते रहने पर हो जाता है, संशय करना पाप है। तुम लोग चिंतित क्यों हो? सभी का ही होगा। प्रश्न, माँ अहंकार आदि उन्होंने हमारे भीतर क्यों भर दिए हैं? माँ, किसने भर दिए हैं? वह भी तो उन्हीं का एक रूप है, तुम भी तो वही हो। बड़े मजे की बात है, तुम सोचते हो तुम उनसे अलग हो। मनुष्य जन्म पाकर कुछ भी ना करना क्या उचित है? हर कोई पशु पक्षी की तरह अपना पेट भरता है। मान लो आज मजे में हो, पर कल हजार दुख के पहाड़ नहीं टूट पड़ेंगे, इसकी निश्चितता कहाँ है? इसलिए कहती हूं कि इसके लिए पेंशन का प्रबंध करो। यह पेंशन जब तक श्वास है तब तक मिलता रहेगा और वह पेंशन कभी नष्ट नहीं होगा। प्रश्नकर्ता, माँ शरीर की रक्षा की जरूरत होती है, अगर शरीर नहीं रहेगा तो साधन भजन कैसे करूंगा? माँ, शरीर रक्षा क्यों करोगे? उस ओर ध्यान देने की जरूरत है। अगर मन में यह रहे कि उन्हें बुलाऊंगा, इसके लिए शरीर रक्षा की जरूरत है, तो उतना जरूर करोगे, पर भोग के लिए नहीं। ड्यूटी पूरी करते चलो, उनकी ओर लक्ष्य बनाए रखो। प्रश्नकर्ता, माँ स्त्री पुत्र का पालन यह भी भला कोई ड्यूटी है? किसकी पत्नी, किसका पुत्र, कौन लालन पालन करता है? माँ, अगर यह बुद्धि ठीक ठीक रूप से जन्म ले ले तो फिर क्या बात है? चैतन्य देव ने तो माता स्त्री सभी को छोड़ दिया था, लेकिन सभी चैतन्य देव नहीं है। इसलिए जो लोग पत्नी पुत्रादि के साथ हैं, उनकी जरूरत सेवा बुद्धि में है, अर्थात यह सब उनकी ही सेवा कर रहा हूं। इस भावना को लेकर गृहस्थी चलानी चाहिए और कहना यह है कि जितने दिनों तक संयम व्रत लिया जा सके, महीने में 2-4 दिन या जिनमें शक्ति है वे 1 महीने तक लें। इन दिनों शुद्ध रूप से रहूंगा यह संकल्प लेना चाहिए। भोजन जितना शरीर रक्षा के लिए आवश्यक हो करें, भोग के लिए भोजन ना हो। सोना तब चाहिए जब नींद सताए। सदग्रंथ पाठ, नाम या अन्य कोई सत चिंता में समय गुजारना चाहिए। सत्य बात, सत्य व्यवहार की ओर लक्ष्य करना चाहिए। मुमकिन है एक दिन ठीक से ना हो, पर अभ्यास करते करते बाद में यह कार्य कठिन मालूम ना होगा, बल्कि आनंद मिलेगा। इसलिए कहती हूं कि ताप सहा है ना, यानी तपस्या। भगवान के लिए तपस्या करो, अर्थात ताप को सहन करो। गुरु कौन है? ना केवल पिता माता, बल्कि जिनके निकट हम लोग गूढ़ विषय की जानकारी प्राप्त करते हैं वे सभी गुरु हैं। जो मार्ग का जरा सा भी पता देते हैं वे ही गुरु हैं। जो बंध है वही जीव है। गुरु के वाक्यों में अविचलित निष्ठा रखना इस मार्ग में सहायता पहुंचाती है। एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, एक आत्मा और क्या? प्रश्नकर्ता, माँ भगवान के नाम और बीज में क्या अंतर है? माँ, बीज मंत्र में गुरु शक्ति से शरीर में झंकार होता है और मंत्र चैतन्य होकर उसी लक्ष्य की ओर पहुंच जाता है। साधारण नाम में भी यही भावना उत्पन्न होती है। अगर भाव के सहित किया जाए तो नाम शक्ति में भाग्यानुयायी गुरु प्रकट होने पर सब कुछ हो जा सकता है। नाम और बीज में गुरु शक्ति रहने पर प्रत्येक में कार्य पूर्ण हो सकता है। श्वास के साथ नाम का योग रखते हुए नाम करते रहो, यह अभ्यास मन में स्थिरता उत्पन्न करता है।
इसके अलावा हम लोगों में जो प्राण वायु है वही तो समस्त विश्व को आच्छादित किए हुए है। उसी महान भाव के अंतर्गत आने पर अंत में वही स्रोत ही एक दिन उनकी ओर ले जाएगा। एक बार अपने को उस स्रोत में डाल दो। प्रश्नकर्ता, मां मैं जेल में काम करता हूं, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हम लोग जेल में रहने वाले कैदियों पर अत्याचार करते हैं तो क्या इससे पाप होता है? मां, तुम लोग जब उसी कार्य के लिए नियुक्त किए गए हो तब अपनी ड्यूटी पूरी करते रहो, अधिक मत करना। अगर ड्यूटी से अधिक अत्याचार करोगे तो निश्चित रूप से पाप होगा। प्रत्येक कर्म का अलग अलग फल प्राप्त होता है, इसके लिए नित्य भगवान का नाम लेते रहना और प्रार्थना करते रहना। प्रश्नकर्ता, मां दुर्वासा मुनि भोजन करने के बाद भी कह रहे थे कि भोजन अभी कहां किया, मुनि जी ने झूठ क्यों कहा? मां, झूठ नहीं है, उनकी जो स्थिति थी उसमें कौन क्या खाता है। अपने मुंह की थूक अहरह घोटते हैं, पर यह तो कोई नहीं कहता कि मैंने कुछ खाया है। तुम लोगों की भांति उनका खाने सोने का हिसाब नहीं है, तुम लोग उनकी भाषा पर विचार नहीं कर सकते। प्रश्नकर्ता, मां क्या श्री कृष्ण में वृत्तियां प्रकट हुई थी, उनके बच्चे हुए थे? मां, कौन किसको भोग करता है, स्वयं ही जब सर्वमयी हो, तुम लोगों की तरह दो होने पर ही तो भोग होगा। स्वयं अपने को अगर कहा जाए, जब तक दृष्टि है तब तक सृष्टि है, दोनों के रहने पर ही दृष्टा होंगे। मां उपदेश दे रही हैं, उसी एक के ध्यान में लगे रहो। समय गुजरता जा रहा है, जब तक जड़ में नहीं पहुंचोगे तब तक फल नहीं मिलेगा। एक की चिंता में, एक के लक्ष्य में जितना समय दे सकते हो दो, दिन बेकार मत गवाओ। आपका घर कहां है? यह तो श्वासों का घर है। अक्सर कहा जाता है कि इस घर को धर्मशाला बना लो, जैसे कहीं यात्रा करते वक्त सारा सामान समेट लेते हो, ठीक उसी प्रकार इसे भी उस मकान में ले जाने लायक संबल बना लो। जब जो कुछ करो मन प्राण से करना। दुनिया की ओर जाने का क्या अर्थ है जानते हो? जैसे चोट पहुंचाकर घाव को बढ़ाना। दूसरी ओर भगवान की ओर जाने का अर्थ है मरहम लगाना। जगत का संबंध ही कष्टदायक है, उनके नाम के अलावा और कहीं शांति नहीं है। दवा पियो और सुपथ्य खाओ, दवा है उनका नाम और पथ्य का अर्थ है संयम व्रत। प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की।